नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे और मैं लेके हाजिर हूँ एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया था कुछ देर पहले ही, कि ऐसा माना जा रहा है और ऐसा अनुमानित है कि फ्रांस इंडिया को प्रोजेक्ट P-75 के अंतर्गत अपना बैरकुडा क्लास सबमरीन ऑफर करने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की खबरें डिफेंस फ्रेटर्निटी में चल रही हैं, तो इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर इस तरह का ऑप्शन प्रोजेक्ट P-75 के अंतर्गत आता है तो किस तरह से इंडियन नेवी के लिए वायबल है या फिर वायबल नहीं है, इस पे बात करेंगे। और ये सबमरीन किस तरह से और कितना डिफरेंट है फ्रांस के प्रीवियसली ऑफर्ड स्कॉर्पनी क्लास सबमरीन से, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। सो इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरकुडा क्लास सबमरीन की। तो बैरकुडा क्लास सबमरीन, जिसका कंस्ट्रक्शन 2007 में होना शुरू हो गया था और जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है तकरीबन 12 जुलाई को, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके ट्रायल के बाद 2020 में इसे कमीशन कर लिया जाएगा। और ये एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो कि प्रत्येक 12 साल पे रिफ्यूलिंग के लिए डिजाइंड है। और इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो तकरीबन 11 बिलियन यूरो के आसपास है। और इस बैरकुडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की जो रेंज है वो अनलिमिटेड है, और ये सबमरीन तकरीबन 5300 टन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेस कर सकता है, और इसकी स्पीड कहीं ना कहीं 30 नॉट के आसपास है। तो ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इसी का एक और वर्जन जो कि कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा, वो इंडिया को ऑफर करने की बात चल रही है, जिसे सॉर्फिन बैरकुडा ब्लॉक 1 के नाम से बताया जाता है, जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा। सो अगर हम बात करते हो कॉस्ट की, तो इसका कॉस्ट तकरीबन $3 बिलियन पर यूनिट का पड़ा है। अभी हाल ही में 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने कॉलिन क्लास सबमरीन को रिप्लेस करने के लिए एक टेंडर निकाला था, और उस टेंडर को DCNS यानी कि नवल ग्रुप ने जीता। और इसके अकॉर्डिंग तकरीबन ऑस्ट्रेलियंस एक सबमरीन की कीमत $3 बिलियन पे कर रहे हैं, और ये जो $3 बिलियन है इसमें ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक कम्प्लीट सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट के काम हैं उन सभी का जिम्मा नेवल ग्रुप लेने वाली है। सो इसीलिए इस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की कीमत $3 बिलियन के आसपास पड़ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी आप बैरकुडा क्लास सबमरीन को जापानीज सोल्यू क्लास से कंपेयर करते हो तो जो प्राइस डिफरेंस है, जिस प्राइस पे ऑस्ट्रेलियंस ने इसे खरीदा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर वही प्राइस हमारे लिए भी रहता है प्रोजेक्ट P-75 के लिए, तो हालांकि इंडिया को एक एडवांटेज रहेगा क्योंकि नेवल ग्रुप का ही एक स्कॉर्पनी क्लास सबमरीन हम ऑलरेडी बना रहे हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो अगर उस चीज़ को आप एक्सक्लूड कर देते हो तो इसकी प्राइस कहीं ना कहीं इंडियन प्रोजेक्ट P-75I के लिए कम पड़ेगी, और वो ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि आप तकरीबन $2 बिलियन के आसपास पर यूनिट फिर भी पड़ेगी। और ये प्राइस भी प्रोजेक्ट P-75 को एलोकेटेड जो अमाउंट है उसको जरूर एक्सीड करेगा। नेवी के लिए 12 सबमरीन बनाए जाने थे, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट P-75 के लिए एक अलग लाइन एस्टेब्लिश की जानी थी, और 6 ही प्रोजेक्ट P-75I के अंतर्गत एक और अलग लाइनिंग एस्टेब्लिश की जानी थी। तो इन दोनों को मिला के 12 सबमरीन बनने थे, तो 6 तो अभी प्रोसेस में हैं, लेकिन इन 6 प्रोजेक्ट P-75 के लिए तकरीबन $8 बिलियन मैक्स टू मैक्स एलोकेट किए जाने हैं। तो इस प्राइस के लिहाज से अगर आप जाते हो तो आपके इस बजट में जो बैरकुडा क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो सिर्फ 2 या 3 की मात्रा में ही आ सकेगा। तो अगर आप इस नज़रिए से देखते हो तो आपका जो ये ऑफर अभी जो आने वाला है, ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है, तो इस ऑफर की वैसे भी कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी। अगर आप कंपेयर करते हो इसी बैरकुडा क्लास शॉर्ट फिन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को फ्रांस के प्रीवियस ऑफर स्कॉर्पनी क्लास सबमरीन से, तो यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं इस डेटा पे। तो जो भी आपका शॉर्ट फिन बैरकुडा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होने वाला है वो तकरीबन 4100 टन डिस्प्लेस कर सकता है, जिसकी यूनिट कॉस्ट 3.2 बिलियन पड़ेगी। इसकी रेंज समर्ज हालत में 6300 किलोमीटर प्लस होगी। वहीं पे सरफेस पे बात करते हो इसकी रेंज की, तो वो कहीं ना कहीं 34000 किलोमीटर होने वाली है। ये भी तकरीबन 28 नॉट से लेके 30 नॉट की स्पीड से रन कर पाएगा। इसकी एंड्योरेंस भी 19 डेज है। वहीं पे अगर आप बात करते हो तो इस शॉर्ट फिन बैरकुडा को एक अपर एज है न्यूक्लियर सबमरीन के कंपेयर में। वहाँ पे जो ट्यूब्स दिए गए हैं टॉर्पेडो फायर करने के लिए, वहाँ पे सिर्फ 4 ट्यूब्स दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे इसके डीजल वर्जन में 8 ट्यूब्स दिए गए हैं टॉर्पेडो फायर करने के लिए। तो ये यहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट है। बात करते हो टेस्ट डेप्थ की, तो इसको भी जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो इस तरह से किया जा रहा है कि इसका जो टेस्ट डेप्थ होगा वो 350 के अराउंड होगा, और इसमें तकरीबन 60 क्रू मेम्बर और 12 डाइविंग मेम्बर आ सकेंगे।
अब बात करते हुए स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन की, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है किस तरह का इसका जनरल करेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 16 से लेकर 1700 टन के आसपास था। इसकी रेंज 1050 किलोमीटर थी और ये तकरीबन 20 नॉट के स्पीड से चलने में सक्षम था। और इसकी जो एंड्योरेंस थी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन की वो 71 डेज की थी। अब बात करते हो टॉर्पीडो फायर करने की सलाहियत की, क्षमता की, तो ये तकरीबन इसमें 6 ट्यूब दिए गए हैं और जो कि 18 टॉर्पीडो कैरी करने में कैपेबल है ये स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। अब बात करते हैं इसके टेस्ट डेप्थ की, तो हमने पहले भी बात की थी कि इसका टेस्ट डेप्थ तकरीबन 380 किलोमीटर है और ये अपना टेस्ट डेप्थ 3/2 रखते हैं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। और वहीं पे जहां तक बात है कॉम्प्लीमेंट्स की, तो इसमें तकरीबन 31 क्रू प्लस ऑफिसर्स की जगह है। तो ये कंपेरिजन था सॉर्टफिन बैरकुडा और स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन में, जो कि इसके लिए बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि इसका कंपेयर किया जाए, तो हमने इसका कंपेयर किया। लेकिन वैसे भी इस कंपैरिजन का प्रोजेक्ट 75I से कोई खास रिलेशन दिखता हुआ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि जो अपना मेन फैक्टर है इंडियन नेवी के लिए वो यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट एलोकेशन है, प्राइस एलोकेशन है। अब वो कहीं ना कहीं बैरकुडा क्लास एक्सीड कर रहा है, भले ही वो अपने साथ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, लेकिन जो हमारा मेन फैक्टर है उसे हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।